जनवरी खत्म होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली NCR में गुरुवार यानी 1 फरवरी को लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। IMD ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेगी, इससे ठिठुरन बढ़ेगी और दिल्ली के नरेला में बुधवार यानी 31 जनवरी को 25 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लगातार बारिश से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार से बारिश और बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में 4 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कटरा, गुलमर्ग सहित कई हिस्सों में आज सुबह भी बर्फबारी हुई। इसके कारण पुंछ और राजौरी को श्रीनगर से जोड़ने वाला मुंगल रोड बंद कर दिया गया। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बीते 35 घंटे से बर्फबारी और बारिश हो रही है। राज्य के 7 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। बर्फबारी के बाद मनाली, केलांग और सेंज लोहरी नेशनल हाईवे स्थित 220 से ज्यादा सड़कें और 450 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं।